निवर्तमान चेयरपर्सन के पुत्र नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मोहम्मद आबिद अंसारी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। हमारे प्रतिनिधि से हुई भेंट वार्ता में निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद अंसारी ने कहा कि पूर्व की भांति इस बार भी बड़ापुर की जनता मुझे अपार समर्थन मिल रहा है। सभी बिरादरी समुदाय के लोगों का प्यार व सहयोग मिल रहा है। मैंने बड़ापुर की आवाम से एक बात रखी थी, इंसान हूँ, यदि 5 वर्ष के लिए कार्यकाल में हमसे कोई गलती हुई है तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। बचे विकास कार्यों को प्राथमिकता के तौर पर किया जाएगा। आबिद अंसारी ने बताया कि बड़ापुर में सर्वप्रथम मेन रोड एवं गली मोहल्लों में जहां भी टूटी फूटी सड़कें हैं उनको बनवाया जाएगा। साथ ही बिजली के बिलों को जमा कराने के लिए बड़ापुर की आवाम को 5 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है। यदि मैं चेयरमैन चुना जाता हूँ तो नगर पंचायत कार्यालय पर ही विद्युत विभाग के अधिकारियों से मिलकर बिलों के भुगतान का काउंटर लगाया जाएगा। बड़ापुर में एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसको आला अधिकारियों से मिलकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दिलाया जाएगा। बड़ापुर में ही डिग्री कॉलेज की स्थापना के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में कस्बे के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया है और मैं वादा करता हूँ कि इस बार चेयरमैन चुना गया तो इस तरह प्यार मोहब्बत और सम्मान के साथ बड़ापुर की आवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करूंगा। जी आबिद भाई, आपको कस्बे में आप घूम रहे हैं अपने प्रचार के लिए, आपको कैसा माहौल कस्बे में देखने को मिल रहा है? जी आप तो मीडिया के लोग हो, आप तो हमसे बेहतर जानते हो, और बस्ती में घूमने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि अल्लाह करम से हर वर्ग के लोग मेरे साथ हैं और भारी तादाद में मेरे साथ हैं, इंशाल्लाह और आगे भी मेरे साथ रहेंगे। आप ने विकास कार्य जो 5 साल में कराए हैं उनके बारे में बताएंगे? जी, जो मैंने 5 साल में विकास कार्य कराए हैं, मैंने अपनी तरफ से विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जहाँ तक विकास की बात है तो बड़ापुर में इतना विकास मैंने किया है कि आज से पहले किसी चेयरमैन ने इतना विकास नहीं किया हुआ। अच्छा, इंशाल्लाह आगे अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इससे भी ज्यादा विकास होगा। अच्छा, आगे आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? आगे हमारी योजनाएं हैं, जहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, सबसे पहली प्राथमिकता तो यह है कि हम उन सड़कों को ठीक कराएंगे, और जो जो जहाँ पे लोगों की समस्याएं हैं, जैसे मैरिज हॉल है तो इंशाल्लाह एक मैरिज हॉल और बनवाएंगे, और यहाँ पे बड़ापुर के अंदर बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं लोगों को, जैसे कि कहीं पे पाइपलाइन नहीं है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, कहीं हैंडपंप नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि जहाँ पे जो समस्या होगी इंशाल्लाह दूर किया जाएगा। अच्छा चेयरमैन साहब, आपके कार्यकाल में लोग इस बात की तारीफ करते हैं, आपका क्या कहना है कि आपने 3 बार पानी दिया जनता को, पानी आपके टाइम में पर्याप्त मिला, क्या सही कहती है जनता? जी बिल्कुल सही कहती है, पहले हमारे बड़ापुर में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, इंशाल्लाह जब से मैं चेयरमैन बना हूँ सबसे पहले मैंने पानी की समस्या को दूर किया है। 3 बड़े बड़े मिनी ट्यूबवेल बनाए हैं हमने, जिसकी वजह से बस्ती में आज हम 3 टाइम पानी दे रहे हैं और अब पानी की हमारी बस्ती में कोई समस्या नहीं है। अच्छा, आपको कस्बे में घूमने के बाद क्या एक विशेष समुदाय का समर्थन मिल रहा है या सभी समुदाय का समर्थन मिल रहा है? हमारे साथ सभी समुदाय के लोग हैं, सभी का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग मेरे साथ हैं, और इंशाल्लाह सबसे दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ कि आने वाले टाइम में भी हमारा निशान सितारा है, सितारे पर मोहर लगाकर हमें कामयाब बनाए। साहब, युवाओं के लिए आपका क्या योगदान रहेगा आपकी बार अगर आप चेयरमैन बनते हैं? सर, युवाओं के लिए हमारा सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता होगी युवाओं के लिए, यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड की बहुत ज़रूरत है, ग्राउंड की आवश्यकता है, तो इंशाल्लाह सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही होगी कि बड़ापुर में एक ग्राउंड बने। अगली बार इंशाल्लाह जो हमारे यहाँ पे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, माता है, बहन है, जो भी यहाँ से बिल के लिए अब से यहाँ से 5 किलोमीटर जाना पड़ता है तो लोगों को बहुत परेशानी है, तो इंशाल्लाह मैं नगर पंचायत द्वारा विद्युत विभाग वालों से मिलकर ये चाहूंगा कि बड़ापुर में इसका ऑफिस बने नगर पंचायत द्वारा, उनकी समस्या दूर हो जाएगी, उनको 5 किलोमीटर जाने की जरूरत है, इंशाल्लाह बड़ापुर में बिल जमा होगा। बिल्कुल इंशाल्लाह, मेरी भी सोच ये है कि यहाँ पे जो सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं वो 24 घंटे होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं आप चाहेंगे शासन से मिलकर 24 घंटे सुविधाएं मिले। अच्छा, आपका निशान आप एक बार फिर बताएंगे? हमारा निशान सितारा है, पिछली बार भी आपकी अम्मा का निशान सितारा ही था। जी जी
आपका सितारा बुलंदी पर है।